Brothers, very good. सिंगल सिंगल ड्राइव इस्लाम चले क्या रोज रोजानी लिखा आपने? नहीं क्यों भाई? नहीं सर, एग्जाम चल रहे हैं तो मैं रोज पढ़ाई के लिए. क्या आवाज नहीं आ रही? एग्जाम चल रहे हैं तो मैंने पढ़ाई के लिए रोजा नहीं रखा. पढ़ाई के लिए रोजा नहीं रखा? जी नहीं. और एक जिम आ गए? जी. ये तो बड़ा कमाल किया यार आपने. है आपको पता है रोजा एक छोड़ने से कितना कितना अल्लाह ताला नाराज होते हैं पता है आपको? अब मेरी बात ध्यान में रखना, रोजे आपने पूरे रखने हैं ठीक है, रोजा नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत. मुसलमान पर फर्ज होता है रोजा, होता नहीं होता है? आप बताओ, होता नहीं होता? होता है ना. आपको पहले रोजे रखते थे या आज क्या है कि छोड़ा है या और बहुत सारे छोड़ दिए? दो तीन छोड़े हैं. गलत बात है ना. आज के बाद आपने रोजे पूरे रखने, प्रॉमिस करो मुझसे. पक्का? चाहे कुछ भी हो जाए रोजे नहीं छोड़ने हैं, नमाजें नहीं छोड़नी, और रमजानों में कोई ऐसा गलत काम वैसे तो नहीं करना, रमजान के बाद भी नहीं करना है ठीक है. पक्का जी. और इफ्तार से पहले मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इफ्तार से पहले भी आप ये आपको बताने के लिए खासकर हमने बताया कि जैसे इन्होंने तो इत्तेफाक से रोजा नहीं रखा, आपको ही बताया जा रहा है रोजे नहीं छोड़ने हैं. इफ्तार से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग और इफ्तार के बाद भी किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि रोजा रखने से आपकी फिजिक भी अच्छी होती है, आपकी टमी कम होती है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना रोजे में आपके लिए पावरफुल बनने लग जाती है. तो इसको छोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है लड़के, बता रहा हूं मैं तुम्हें पर जो ना पिटाई कर दूंगा. पक्का बात है ठीक है, अब रोजा नहीं छोड़ना है ठीक है. और इफ्तार में अपने डाइट प्लान को अच्छा रखना है, कोई ऑयली फूड नहीं खाना है और कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि तुमने आज ये खा लिया है ठीक है. चलो सच्चा दबाई करूंगा भी.